रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं हमेशा से मोटिवेशन स्पीकिंग पर और ताज़ा अपडेट ज़िंदगी पर कोई अच्छी सी बात आपको बताता हूँ। तो आज की मेरी बात को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आपने साकिब शेफ प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आज की बात जो आपसे कह रहा हूँ, मैं अपडेट बातों पर आता हूँ हमेशा कि क्या चल रहा है, उस ताल्लुक से मैं हमेशा से आपको कहता हूँ। तो आज की बात है मेरा कि रमज़ान कैसे गुजारे, 5 मिनट की एक बेहतरीन बात। सबसे पहले आम इंसान के लिए भी, वली के लिए भी, एक पॉलिटिशियंस के लिए भी कि रमज़ान कैसे गुजारे कि इस बात पे पहले आपने रोज़ा रखे थे पहले दिन और काम करने गए, काम पर बैठे, तो अपनी कुछ बुरी आदत जो साल भर होती है उसको अवॉइड करना है और अच्छी आदत को उसकी जगह पर रखते चले जाना है। जिस तरह हम किसी चीज़ों को तह बह तह लगाते हैं या फिर किसी काम को एक स्टेप से अच्छे से करते हैं, पहले ग्राहक को कपड़ा खोल कर दिखाते हैं कच्चा, फिर उसकी सिलवटें निकालते हैं, तो उसी तरीके से जनाबे आला सबसे पहले तो ये करेंगे आप कि चुगली और गइबत किसी की करनी है तो उसको अवॉइड करेंगे, डिले कर दो, नज़रअंदाज कर दो और उनसे मिलो और उनसे बात करो जिनसे आप तारीफ़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि दिन भर में अगरचे आपको 50 लोग मिलते हैं, दिन भर में 50 लोग मिलते हैं या फिर 50 से तो इंसान मिल नहीं पाता है, काम करने वालों से 10 मिलते हैं या 20 मिलते हैं या 30 मिलते हैं, तो आप क्या करें मालूम है आपको? बराह रास्त आप ये करें कि उन लोगों से 10 मनफी बात करते होंगे, नेगेटिव बात या उल्टी बात या गीबत या चुगली या फिर बहुत सख्ती से बात, तो उसको अवॉइड करते हुए नरमी से बात करें। पहली बात, नरमी से बात करें, रमज़ान में ये आदत डालें तो ये हमको सिखाता है आगे चल के, थोड़ी नरमी से बात कर ले, थोड़ी नरमी पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि गीबत और चुगली कम कर दे और अच्छी बात करे, अगर गुस्सा आए तो इस तरह कह दिया करे कि भाई मेरा रोज़ा है इसीलिए थोड़ा सा, इस तरह कहना भी सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है कि मेरा रोज़ा है, तो वो इसलिए कहते थे ताकि सामने वाला रोज़े से ना हो तो वो किसी बात पे आपसे इख्तिलाफ ना करे, झगड़े ना करे, तनाज़ा ना करे, या फिर आप भी ये जुमला कहकर एक पुरसकून बन जाए। तो पहली बात जो मैंने कहा वो क्या है, मनफी बातों को ख़त्म करें, अवॉइड द निगेटिवस, फर्स्ट स्टेप ऑन अवॉइड द निगेटिवस। सबसे पहली बात रमज़ान में कि अपने मनफी बातों को ख़त्म करें, मनफी बातों को ख़त्म करें, निगेटिवनेस को। अब दूसरी अहम बात ये कि आप रोज़ा रखे हैं तो सिर्फ सोते ना रहिए, सोना भी रोज़े पर अल्लाह का एहसान नहीं है, आप एहसान नहीं कर रहे अल्लाह पे। डोंट स्लीप इन अ फास्टिंग, नेवर स्लीप इन अ फास्टिंग। थोड़ा सा तो हमेशा सोते हैं आप जोहर के बाद आधा एक घंटा, लेकिन सोते ना रहिए बल्कि अपने काम को अच्छे से करते रहिए। अच्छा, काम बहुत मुश्किल है, आप लिखने का काम करते हैं, बोझ उठाने का काम करते हैं, तो कामों को बदलते हुए करें। बेकरी में काम करते हैं आप, अगर मुंशीगिरी के आपको 10,000 मिलते हैं तो आप पत्रे उठाने का काम किसी और से करवा ले, आप लिखा पढ़ी का काम करें, कभी आप पत्रे उठा ले तो उससे होगा क्या कि आपके अंदर की डिग्निटी दिखेंगी और आप बिल्कुल एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो रमज़ान आपको सब्र आमेज के साथ शुक्र आमेज भी बनाता है। तो दूसरी अहम बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कि अवॉइड करना सीखे, क्या करना सीखे, अवॉइड करना सीखे, अवॉइड, पहली बात हो गई मनफी बात को, दूसरे अवॉइड करना सीखे गलतियों पर, यानी परफेक्ट बने, नरमी से ये हो गए। हाँ, और जो दूसरी अहम बात जो मैंने कहा आपसे काम के अंदर इतनी देर से जो कह रहा था मैं आपसे, उस बात को ज़्यादा मलूज़ ख्याल रखिए कि उसी से आपको असल सुकून मिलेगा।
कि सिर्फ सोते ना रहें बल्कि अपने कामों में लगे रहें। बहुत से लोग क्या करते हैं, नमाज रमज़ान का महीना आ गया, बोले सोने के लिए खाली पड़ रहे थे, सोते रहते हैं। तो अल्लाह को आपको नमाज और रोज़ा इस तरह पसंद नहीं है कि आप सिर्फ सोते ही रहो सोते ही रहो। इस सोने का नाम रमज़ान थोड़ी ना है। सिर्फ उठकर अपने काम करें, बदलते हुए काम करें। भाई आपका काम हार्ड है तो उसको ईजी करें। पहले सेट करता था, बोले कपड़ों की तय, कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है, आलीशान माशाल्लाह, लखपति है, करोड़पति है। तो पहले आपका सेट करता था, पहले अनवर भाई करते थे, तो अब साकिब भाई करेंगे, फिर अनवर भाई कपड़े को लाइन से लगा देंगे, फिर जुनेद भाई उसको करेंगे। तो इस तरीके से काम बदलने से आपको भी रमज़ान ईजी जाएगा। याद रखो, इंसान की भूख और प्यास गरीब अमीर को नहीं देखती, मजदूर हम्बाल अपने मातहत वालों को नहीं देखती जो आपके अंडरटेकिंग में काम करते हैं, बल्कि सबके साथ मुरव्वत और मोहब्बत से बोलना है। ऐसा नहीं डायरिंग से 500 रुपए देने के बाद क्या बोल रहे थे आप, ने क्या फरमा रहे थे आप, यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, क्या फरमा रहे थे आप कि हमारे साथ कारोबार ना करेंगे। हाँ, तू फरमाना सही है, आप अपने मातहतों को ना तो दबाना पसंद करें ना उनसे ये करें। तो ये दो काम जो मैंने अभी कहा, अगली वीडियो इसी के ताल्लुक से किसी अच्छी लोकेशन पर जहाँ बैठने की लोकेशन हो और जहाँ आवाज़ ना आए, इंशाल्लाह इसी जगह मिल जाएंगी। तो आपके लिए रमज़ान के इल्मे नाफे के एक पर एक धड़ाधड़ वीडियो डालूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल साकिब शेफ फाउंडेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दुनिया में शेयर कीजिए। रमज़ान मुबारक।